हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने पूरे रोमांच पर पहुंच चुका है। ऐसे में मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में माना जा रहा है, लेकिन इनेलो बसपा हलोपा गठबंधन भी सबको हैरान कर सकता है। इस बीच नूह विधानसभा सीट पर कांग्रेस और इनेलो प्रत्याशी की जीत को लेकर दो लोगों में 25 लाख रूपये की शर्त लग गई है। इसके लिए बाकायदा हलफनामा तैयार किया गया है और गवाह भी रखे गए हैं, जिसके चलते मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। नूह सीट से कांग्रेस ने आफताब अहमद को, वहीं इनेलो ने चौधरी ताहिर हुसैन को टिकट दिया। जानकारी के मुताबिक नूह विधानसभा से इनेलो प्रत्याशी चौधरी ताहिर हुसैन के समर्थक गांव सौख निवासी यूसुफ पुत्र जहूरू ने कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी आफताब अहमद के समर्थक औरंगजेब पुत्र महमूद निवासी गांव सालाहेड़ी से शर्त लगाई है। यूसुफ की शर्त है कि आफताब अहमद अगर चौधरी ताहिर हुसैन को 20,000 से अधिक वोटों से हराते हैं तो शर्त में लगाई गई उनकी 12 टायर गाड़ी जिसकी कीमत 25 लाख है वो कांग्रेस समर्थक औरंगजेब को दे देंगे, इसके साथ ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे।